ज्यादा टाइम काम करना कुछ लेकिन यहाँ बोले है कि तीन पंचायत में वंचित किया गया है और आपने पांच पार्टी का गठन किया है। मैंने वहाँ अखंड स्तर में पंचायत समिति जो होती है यहाँ पर उसका बैठक हुआ था। उस बैठक में प्रस्ताव यही पारित किया गया था 22 पंचायत हमारे यहाँ पूर्ण रूप से बाहर हो सकते शेष तीन पंचायत बाढ़ की श्रेणी में नहीं आ रहे थे। तो प्रखंड स्तर में बाढ़ राहत अनुश्रमण सह निगरानी समिति में बैठक में यह हुआ था या प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि जो भी पंचायत और घोषित नहीं हो सकते उनकी जांच के लिए बहुत कुछ उसकी जाँच कर लिया जाए कि उसमें बाढ़ का पानी आया था नहीं आया था। तो बाढ़ पाँच स्तरीय समिति का गठन किया गया था। कमिटी का रिपोर्ट स्पष्ट हुआ कि इन तीनों पंचायतों में जिनके नाम है राजगढ़ सनातपुर और भरवाड़ा इन तीनों पंचायतों में इनके किसी जो फसल नष्ट जरूर हुए हैं लेकिन इनका कोई भी आबादी बाढ़ से बाढ़ के पानी से प्रभावित नहीं हुआ है। हम सर इसके लिए मैं कहना चाहूँगा और साहब बोले वहाँ जो कितने जगह राजन फट गया है यानी सूखाग्रस्त की स्थिति में है तो यही जनता लोगों को कहना है बाढ़ ग्रस्त हो या सूखा ग्रस्त दोनों में से कोई तो हुआ नहीं है। तो यही जानना चाहेंगे कि बाढ़ ग्रस्त नहीं तो सूखा ग्रस्त आपको सब घोषित करना होगा। जनता पर सभी भावना को बैठेंगे आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सूखा ग्रस्त घोषित करने के लिए यह आकलन कृषि विभाग के द्वारा किया था अंचल अधिकारी का दायित्व नहीं। लेकिन सर आपने जो पांच का तीन गठन किया तो उसमें तो उनको तो बताना होगा ना कि सूखा ग्रस्त है या बाढ़ हो रहा है क्योंकि क्षति तो हुआ है क्योंकि इस पूरी बिहार में जो है या तो सूखा ग्रस्त हो गया है नहीं तो बाढ़ से ग्रस्त दो में से एक हुआ है। हमारा दृष्टिकोण बाढ़ आया था अथवा नहीं आया था हमारा जो अखंड स्तरीय अनुसमन समिति है वो बाढ़ राहत आपदा पर गठित था और बैठक किसकी थी। तो हमारा नजरिया बाढ़ के संबंध में आकलन करने का था सुखाड़ के संबंध में आकलन करने का कोई डायरेक्शन उसकी नहीं दिया गया था। सर जो पांच का टीम जो गठित किया तो उसमें जो संबंधित लेना चाहेंगे उन्होंने किस स्तर से उन्होंने जांच किया और उन्होंने कैसे उसका निरीक्षण किया। एक जगह लेने से भी एक जगह का निरीक्षण जगह का लेने से ही सभी जगह का कैसा का अनुभव नहीं हो पाता तो खेत में जाकर के देखे। आप पहले प्रश्न समझिए प्रश्न क्या है बाढ़ किसको कहते हैं वैसे क्वेश्चन पूछने से और माइक लगा देने से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने का अनुभव नहीं होता है। आपका प्रश्न रिलेटिव नहीं है। मैं जो आप प्रश्न मैंने जानता मैंने एस्टिमेट नहीं दे रहा हूँ जिसे पूछा बोले की उन्होंने जवाब दिया है पांच का तीन गठन हुआ है तो सर आपने गठन किया है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे जो पांच का तीन हुआ है तो मैं उनसे लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ तीन पंचायत की बात है और उसमें बहुत सारे जनता हजारों है लाखों की संख्या में होंगे इतने तो वंचित हो जाएंगे कि किसान लोग हैं मजदूर हैं बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं जो मजदूरी करके मनजाई पे करके जो है खेती करता है और इतना जगह जो है अभी भी खेत को पटा करके और बीज जो है ये कर रहा है कहीं कहीं जहाँ हुआ है पानी जहाँ कमी हुआ है तो इस तरह से जो है मजदूर लगा हुआ है। इस पर आप लोग अगर सहायता अगर नहीं करेंगे जनता लोग को तो फिर जनता लोग इस ब्लॉक में इस पंचायत के कैसे किस तरह से आप लोगों को विश्वास करेंगे। एक बार तो घोषित हुआ 25 पंचायत का कि हाँ सबको मिलेगा लेकिन आप तीन पंचायत को आप छाट रहे हैं ये तो बहुत बड़ा न्याय है।
क्या आपका प्रश्न रिलेटेड नहीं है, एक किसने बताया आपको बताया जनता से मैंने लिया, पंचायत के जो भी मुखिया लोग आपको किसने बताया कि 25 पंचायत। आप सर बिल्कुल नहीं जवाब दे रहा, पास जो गठित की उस टीम से हमें मिला ही, आपसे यही रिक्वेस्ट है आप बैठिए बाहर, कितना देर बैठेंगे, कितना देर बैठेंगे सर की पंखा चल रहा है, लेकिन हम गेस्ट पत्रकार लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, पंखा भी नहीं एक होगा जो इतना भीषण गर्मी है यहाँ सिंगवारा ब्लॉक में, और इस तरह की व्यवस्था नहीं करते हैं, और बोलते हैं पत्रकार को बैठने के लिए 2 घंटा 4 घंटा। सर पत्रकार क्या यही खाली न्यूज लेंगे, और जगह जो बहुत बहुत घटना होता है उस जगह नहीं लेंगे है? अब इस तरह की बात करते हैं सर, कुछ इस तरह से पत्रकार से बात कीजिए, युग की युग हम इतने भी विराम देंगे क्योंकि अंचलाधिकारी साहब इस बात को ये नहीं कर रहे हैं, हम इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 जो टीम गठित हुआ है उनसे हमें मुलाकात, बस इतने कह के राज।